43 आवाम के बीच में रही, उसी का दावा लेके मैं वापस आ रही हूँ और इंशाल्लाह उससे दुगना काम करूँगी, रात चौगना काम करूँगी। 5 साल में जितना मेरे से हो सकेगा, एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक अगर मुझे याद करेगा तो वो एक मिनट में अपनी काउंसलर को अपने दरवाजे के बाहर पाएगा। आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मरकजी कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में हूँ। हमारे साथ 44 नंबर वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार श्वेता इंदौरिया जी है। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर 10 साल तक काउंसलर रह चुकी हैं और आखिर क्या वजह हो गया था कि लोगों ने उनको नकार दिया और उनकी जगह पर किसी और को लाया। इस सिलसिले में उनको सवाल करेंगे और भी कई मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए और बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आप यहाँ काउंसलर रह चुकी हैं और फिर अभी इस बार दावेदारी के लिए, तो आपको लोग एक बार इनकार किया था, अभी क्यों आपके साथ? 2005 में मैं निर्दलीय यहाँ से खड़ी हुई थी, घड़ी छाप से खड़ी हुई थी और उस टाइम CPM का उरूस था, लेकिन यहाँ की आवाम ने मेरे पर भरोसा किया, मुझे जिताया। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे से बन सका मैंने 10 साल काम किया। शायद मैं मानती हूँ ये मेरे अंदर कोई गलती हुई, काम में गलती नहीं हुई, लेकिन शायद कोई बात है जो मेरे अंदर अच्छी नहीं लगी होगी लोगों को, और मैं लोगों का जो भी उन्होंने फ़ैसला किया वो सर आँखों पर रखती हूँ और मैं उससे सीख के आज वापस लोगों के दरमियान आई हूँ। आगामी 19 तारीख को जो ये 43 वार्ड का इलेक्शन होने वाला है, मैंने पार्टी की भी वो नहीं की कि मुझे पार्टी से टिकट मिले, मैंने ज़रा सी भी जद्दोजहद नहीं की। मैं एक ही बात चाहती थी कि कुछ अधूरे काम हैं और जो अपनी गलतियां सुधार के, और ख़ास करके 43 आवाम ने जो मुझे प्यार मोहब्बत दिया है, एक परिवार की बच्ची बहन बेटी की तरह मुझे जो रखा है, इससे दूर मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। अपनी गलतियाँ सुधार के और एक नए सिरे से अच्छा काम का जज्बा लेकर मैं वापस लोगों के बीच में आ रही हूँ और मैं वायदा करती हूँ कि अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं सर आँखों पर कान पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना, देखिए अल्लाह के घर के नीचे मैं वादा कर रही हूँ, मैं अल्लाह जानता मैं खिदमत खल और असाफ नियत लेके निकली हूँ और लोग अगर मुझे चुनते हैं आधी रात को भी वो मुझे अपने दरवाजे के बाहर पाएंगे। आपको, आपने कहा कि गलतियाँ हुई, तो क्या गलतियाँ? देखिए गलती, इंसान, मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या गलती है, लेकिन कहीं तो कुछ हुई कि शायद मुझे वोट नहीं मिले थे, खैर। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, आवाम का जो भी फैसला था सर आँखों पर है। आवाम ने 2005 में मुझे जिताया जबकि मैं निर्दलीय थी, आवाम ने 2010 में मुझे जिताया और 2015 में TMC के टिकट लेने के बावजूद में मैं हार गई, तो जाहिर बात है कई गलतियाँ हुईगी। आदमी अपनी गलती से सीखता है, अल्लाह ताला भी अगर कोई गलती करते हैं, ईश्वर या भगवान, गलती करने से इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। मुझे 6.5 साल अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, लेकिन हाँ एक बात मैं डंके की चोट में कहूँगी कि मैंने काम पे कहीं गई कोई गलती नहीं की। जो काम मेरे पास आया, जो वार्ड में काम थे, वो मैंने डंके की चोट में किया है और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो इससे डबल काम करके दिखाऊंगी। और आपने शुरुआत निर्दल प्रार्थी से की थी, एक बार फिर निर्दल से, आपको क्या लगता है फिर वो? जी, मैं एकदम मानती हूँ कि 2005 में भी मैं निर्दलीय प्रार्थी थी और तब मैंने जीता और मेरी खुशनसीबी थी। मैं दो बात आपसे कहना चाहूँगी कि आज ये नाकुदा मस्जिद आप देख रहे हैं, ऊपर वाले का करम था। नाकुदा मस्जिद का ड्रेन का लाइन बोलिए या पानी का लाइन बोलिए, उसमें ड्रेन का लाइन था ही नहीं, जो पानी का लाइन था और ड्रेन का लाइन मिल जाता था तो क्या होता था, वजू में बहुत बार ड्रेन का पानी आ जाता था, इसको लेके बहुत तकलीफ होती थी। या शबे बारात, जिन भाइयों को याद होगा पहले 3 सालों में हमें रात भर कॉरपोरेशन का पानी देना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, लोगों का प्यार मिला। आज नाकुदा मस्जिद में श्वेता इंदौरिया रहे या नहीं रहे, कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, ड्रेन की जो सफाई थी वो हो चुकी है और भी बहुत काम हुए हैं। तो इसी तरीके से वार्ड में बहुत काम करके गई थी 6.5 साल में। आप लोगों से पूछिएगा कि कितना काम हुआ है, जो मैं काम छोड़ के गई थी इंशाल्लाह वो काम को और आगे बढ़ाना है और वार्ड 43 को तरीके में लेके जाना है। वार्ड 43 में 5 कैंडिडेट हैं और 5ों में आप भी शामिल हैं, तो आपको क्या लगता है लोग क्यों आपको वोट देंगे? मैंने जैसा आपको बताया, मैं यहाँ की, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आपके परिवार का कोई बच्चा बहन बेटी अगर गलती करती है तो आप उसको घर से निकाल नहीं देते, आप उसको डांटते हैं फटकारते हैं और लेकिन वापस ले आते हैं।
43 आवाम ने मुझे हमेशा एक परिवार की तरह माना है, एक परिवार की तरह रखा है, और इंशाल्लाह मैं फिर से कहती हूँ कि मैं अपने काम की बदौलत, जो काम मैंने किया, जो मैंने जो हमेशा मैं वैसे कुछ प्लानिंग किया है कि हमको अगर आप कामयाब होती हैं तो हमें क्या क्या करना है मेजर? बहुत से काम है, आप जैसे देखेंगे, मैंने जैसे बताया 2005 में जीती, 2010 में, 2015 में हुए, तो अभी बहुत से ऐसे काम है। निकासी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, डमजल लेन में आप निकासी की व्यवस्था देखिए, अगर बारिश हो जाता है तो दो दो तीन दिन तक पानी रहता है, जिससे कि डेंगू मलेरिया हो जाता है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं वादा करती हूँ कि अगर मैं आऊँगी तो जिस बिल्डिंग में भी पानी की लाइन नहीं है या जिसको भी पानी की लाइन चाहिए, एक महीने के अंदर हम लोग पानी की लाइन वहाँ तक पहुँचाएँगे, और जहाँ पे पानी की कमी है एक महीने के अंदर हम वो लोग पानी के जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, मलेरिया डेंगू बहुत हो रहे हैं क्योंकि स्प्रे नहीं हो रहा है। मैं जब थी तो मैंने हर टाइम यही कोशिश की कि हर दिन या हर हफ्ते एक बिल्डिंग में स्प्रे हो। अभी आप देखिए, अभी दो तीन दिन पहले ही हमारे इलाके में ड्रेन मलेरिया से एक बच्चे की, नौजवान लड़के की मौत हो गई। तो ये सब जो कमियां हैं ये मुझे दिख रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, आवाम के बीच में रहेंगे, और लोगों से पूछ कर उनके जो मसले हैं उसको दूर करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो काम निकासी या और भी जो मलेरिया वगैरह, इसका मतलब है कि जो यहाँ से यहाँ काउंसलर है या कोऑर्डिनेटर, उसने काम नहीं किया। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगी, श्वेता इंदौरिया भी नुमाइंदा है, हो सकता है श्वेता इंदौरिया अपनी मुफाद के लिए कुछ भी बोल दे, आप आवाम से पूछिए, आप आवाम से पूछिए। और लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से एक ही बार अपील करना चाहूँगी कि पार्टी, अगर आप पार्टी देखना चाहते हैं, आप MLA MP में देखिए कि कौन पार्टी है। काउंसलर में आप घर का आदमी लाइए, जिसको भी आधी रात को भी आपको दरकार हो आप उसको आवाज़ दें, वो आपके दरवाजे में मिले, आपके दरवाजे में पुकारने से वो आपके साथ खड़ा रहे, आपकी जो भी समस्या है वो उसको दूर करे, हर तरीके से कंधा मिलाकर वार्ड 43 के लोगों के लिए चले। मैं अपनी माताओं बहनों सबसे अपील करना चाहूँगी कि एक बार मौका दीजिए, इंशाल्लाह श्वेता इंदौरिया खड़ी उतरेगी। बहुत शुक्रिया। कहा यहाँ जो काउंसलर वो भी यही रहती हैं और वो भी सारा काम करती है, तो लोग उनको छोड़कर आपको क्यों? मैं आपसे फिर बोलूँगी, आप उससे मत ये बात पूछिए, आप आवाम से पूछिए कि 2005, 2010 से लेके 2015 तक क्या काम हुए और इन 6 सालों में क्या काम हुए, आप आवाम से पूछिए। आप फुटपाथ की फ़ोटो लीजिए, आप पानी निकासी की फ़ोटो लीजिए, आप लोगों को पानी की समस्या पूछिए, और ये बात पूछिएगा कि 2005, 10, 15 में ये तकलीफ़ ज़्यादा थी कि अभी ये ज़्यादा है। एक और सवाल, आप कांग्रेस में थी और कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों दी? जी देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमारे कांग्रेस में मेरे पास फ़ोन आया था कि टिकट हो गया था, लेकिन जो कैंडिडेट खड़ी हुई है उन्होंने अपने ऊपर आग लगाने की कोशिश की थी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मैंने ये गुजारिश की कि मैं किसी की लाश के ऊपर जाके वोट नहीं मांगूंगी, अगर उनको इतना जीतने का है तो वो जीते, मैं 43 की आवाम के भरोसे आगे बढ़ रही हूँ, मैं किसी को मार के सत्ता में आने की कोशिश नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि सब लोग आपके? इंशाल्लाह, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मेरा साथ देंगे, लोग उस श्वेता इंदौरिया का साथ देंगे जो 2005 में भी निर्दलीय आई थी और सबसे कम उम्र की काउंसलर थी, तब लोगों ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अपने घर में जगह दी थी। इंशाल्लाह 2005, 2010 का काम की दुहाई देके मैं 2022 में वापस लड़ने आई। और चूँकि आप आज़ाद से लड़ रही है, आज़ाद से जीतने के बाद क्या फिर दूसरी पार्टी में जाएंगी ना आज़ादी रहेगी? इंशाल्लाह ये भी मैं अपनी आवाम पे छोड़ूंगी, आवाम का भला जिस पार्टी से ज़्यादा होगा इंशाल्लाह वही पार्टी थामेंगे। मेरा जीवन, मेरा काम, मेरा वोट पूरा 43 की आवाम के लिए। श्वेता, ये थी श्वेता इंदौरिया, और अपनी लोगों से उन्होंने अपील की है कि एक बार फिर उनको मौका दिया जाए। यहाँ वो 15 साल तक कोऑर्डिनेटर रह चुकी है, काउंसलर रह चुकी है, और उन्होंने ऐसा बहुत सारा काम किया है, अभी भी उनके अंदर अज़्म है काम करने का। बहुत साथ हमारे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। कितना मिनट हुआ?